आपकी कार में स्टीरियो सिस्टम तो है बट वो ब्लूटूथ कंपैटिबल नहीं है, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन को कनेक्ट करने के लिए ऑक्स केबल का यूज करना पड़ता है। परंतु आजकल नए फोन्स में 3.5 mm का ऑडियो जैक है ही नहीं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सारी इंडस्ट्री ब्लूटूथ पे स्विच हो रही है, तो आपको भी स्विच हो जाना चाहिए। नया स्टीरियो सिस्टम लेंगे? नहीं नहीं, उससे कहीं आसान और कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। नया स्टीरियो लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आपकी हेल्प करेगा अगारो का ये कार ब्लूटूथ रिसीवर। इसको आप अपनी कार के स्टीरियो के साथ लगाएंगे और ये आपकी कार के स्टीरियो सिस्टम को ब्लूटूथ कंपैटिबल बना देगा। आप अपने फोन को इस ब्लूटूथ रिसीवर के साथ कनेक्ट करके कार के स्टीरियो सिस्टम को हैंड्स फ्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर घर में और कोई पुराना म्यूजिक सिस्टम है तो ये उसको भी ब्लूटूथ कंपैटिबल बना सकता है। कैसे कनेक्ट करना है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है और ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, वो सारी चीज़ें चलिए देखते हैं इसको सेटअप कैसे करना है। मैं यहाँ से सबसे पहले इस ब्लूटूथ रिसीवर को निकाल लेता हूँ। इस कार ब्लूटूथ रिसीवर के अंदर कनेक्टिविटी के लिए एक आपको TRS केबल दिखाई देती है और दूसरी एक USB। ये पावर देने के लिए है और ये आपके स्टीरियो के ऑक्स के अंदर कनेक्ट होगी। यहाँ पे इसके ऊपर कुछ बटन्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे ये कॉलिंग के लिए बटन यूज होता है और ये वाला म्यूजिक के अंदर बेस बढ़ाने या कम करने के लिए। ये इसका माइक है और यहाँ पे दो बटन और दिखाई दे रहे हैं। ये दो बटन हैं नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक को सिलेक्ट करने के लिए। पीछे की तरफ यहाँ पे टेप दी गई है जिसकी हेल्प से आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस टेप के पीछे की तरफ ये इस तरह का स्टिकर है, इसको आप हटा लें और अपने कार के ऊपर इस तरीके से जहाँ आपको ईजी लगे, कन्वीनियंट लगे, वहाँ पे आप इसको चिपका सकते हैं। और अब इसको इसके ऊपर लगा दें, बस इतना सा काम है। अब रह गई ये दो केबल, इसको आपको आपके कार के स्टीरियो के ऑक्स केबल के अंदर लगा देना है इस तरीके से। और इसको आप चाहें तो अगर कार के स्टीरियो के अंदर USB पावर है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे, इसके अंदर लगा दें, या आप चाहें तो पावर जो सिगरेट लाइटर है या पावर देने के लिए आप जो चार्जर यूज करते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं कार चार्जर के अंदर लगाऊंगा। अगर आपके पास स्टीरियो के अंदर नहीं है तो कार चार्जर का ऑप्शन जरूर मिलेगा, उसके अंदर आप लगा दें सो दैट कि आप इसको कनेक्ट कर पाएं। वही तरीका मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है कार के इंजन को ऑन करते हैं। अब आपको देखिए, अब ये ब्लिंक कर रहा है। अब आपको इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ब्लूटूथ के ऊपर जाएं, ब्लूटूथ ओपन करें और यहाँ से ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर, ब्लूटूथ सेटिंग्स में वेट करें, सर्च करते हैं। देखिए ये ऑप्शन आया है BT कार, तो यहाँ से BT कार के ऊपर क्लिक करें और देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब एक सेटिंग आपको आपके स्टीरियो के अंदर भी करनी पड़ेगी, इसको आपको सोर्स को ऑक्स के ऊपर ले जाना है। अब ये ऑक्स पे जा चुका है और अब प्ले करते हैं। की मीमो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही आप DJI मीमो ऐप ओपन करेंगे और उसके साथ कैमरा को कनेक्ट करेंगे, ये अपडेट आपको दिखाई देगी। आपको बस टैप करना है, चेंज करते हैं, अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अब थोड़ी सी बात इसका अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, बस थोड़ी सी पहले के मुकाबले ज्यादा है। परंतु काम किसके आएगी वो भी बात करेंगे, पर पहले एक बार वीडियो बटन की हेल्प करते हैं कि अपडेट से पहले और बाद में कितना अंतर आता है। इसकी हेल्प से आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में वेबकैम तो छोड़ दीजिए। तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो, as you are getting an action camera, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे क्या है, चलिए सबसे पहले चलिए अब एक बार कॉलिंग का और देखते हैं कि कॉल कैसे की वीवो ऐप के थ्रू कर सकते। अब एक बार कॉल करते हैं। जियो है, हमेशा यही हालात रहते हैं इस जियो के, सबसे खराब नेटवर्क है इस एरिया में। तो चलिए एक बार फिर से कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा एंड यहाँ से ये कॉल करना शुरू कर देगा। वेलकम टू जियो, हिंदी में जारी रखने के लिए एक दबाएं टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। तो ये परफेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होके काम करता है। आप स्टीरियो का आनंद ले सकते हैं, आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप ब्लूटूथ कॉलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऑक्स केबल या हमेशा लगाए रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप कार के अंदर एंटर करेंगे और एंटर करते ही जैसे ही कार के अंदर की लगाएंगे, आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा।
आपको ऑक्स केबल या इस तरह की किसी भी पेनड्राइव वगैरह की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आप चाहें तो घर में दूसरे डिवाइसेस जैसे कि कोई स्टीरियो सिस्टम आपके पास है पुराना है जिसके अंदर ऑक्स इनपुट का ऑप्शन है परंतु वो ब्लूटूथ नहीं है, इसको वहां पे कनेक्ट करके भी आप म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। 600 रुपए के आसपास इसका प्राइस है जो कि कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए आप चेक करते रहें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, खरीदें तो वहीं से खरीदें और खरीदने से पहले प्राइस एक बार लिंक से जरूर चेक कर लें तो आई थिंक आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, चालान से आपको बचा सकता है क्योंकि कान के ऊपर मोबाइल लगा के आप बात करेंगे तो चालान होगा ही होगा, तो उस तरह की किस सिचुएशन में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको कैसे यूज करने वाले हैं और क्या इसको और कई जगह पे भी यूज किया जा सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो वो भी लिखना ना भूलें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।